गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन से। पहला क्वेश्चन है, पीरियड आने के पहले दोनों तरफ दर्द होता है नीचे हिस्से में। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। ये मेरा नया सेंटर है और नया सेंटर पुराने सेंटर से 2-3 किलोमीटर ही दूर है और ये रेलवे स्टेशन जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। और यदि आप स्टेशन से निकलते हैं तो प्लेटफॉर्म 1 की तरफ से निकलिए, वॉकिंग डिस्टेंस में है। एम्पायर टॉकीज का जो रोड है वो आप पूछिए तो आपको निकलते ही साथ आपको मेरा सेंटर दिख जाएगा, आइडियल फर्टिलिटी दिख जाएगा। यदि आप बस से आते हैं या फिर ऑटो से आते हैं, बस स्टैंड से आते हैं, तो आप रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाइए। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये मैं इस बताना चाहता हूँ कि बच्चेदानी में जो मसल होती है उसमें क्रैम्प्स होते हैं, मतलब मड़ोड़ होती है। ये तब होती है जब इसमें से इसका ये अपना लेयर को बाहर फेंकती है जब पीरियड आता है। नॉर्मली लड़कियों को जिनका अंडा निकलता है और फर्टिलाइज नहीं होता अनमैरिड गर्ल्स में, या फिर मैरिड में जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो जो ये प्रोजेस्टेरॉन फॉल होता है नीचे आफ्टर 14 डेज, उसके बाद इसमें से जो पीरियड आता है उस दौरान इसमें ऐंठन होती है, वो नॉर्मल है। ये दोनों तरफ होती है। इसके लिए यदि आप पीरियड शुरू होके दर्द शुरू होते समय ही कोई मेफ्टाल इस्पास या फिर कोई दवाई ले लें जिससे दर्द कम हो सके, तो ये दर्द आपके पीक में पहुंचने के पहले ही कट हो जाएगा, तो आपका ये पीरियड आराम से गुजरेगा। दूसरी बात, एक बहुत अलग धारणा रहती है कि आप ये दवाई लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 या 2 टैबलेट से आदत नहीं पड़ती, आपको पूरे महीने भर दवाई नहीं लेना है। तीसरा, इस दवाई लेने से किडनी खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा लेने से अवश्य किडनी खराब होती है, पर 1 या 2 टैबलेट लेने से किडनी खराब नहीं होती। यदि आप पानी का मात्रा बढ़ा के रखेंगे तो किडनी में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 19 साल की एज हो गई है और सर अभी तक पीरियड नहीं आया। इसमें आप देखेंगे मेरे 3 वीडियोस हैं कि 18 साल तक उम्र हो गई है, 19 साल तक उम्र हो गई, पीरियड नहीं आया, उसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको यहाँ आके जाँच कराना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है और ठीक हो सकता है कि नहीं। एज 26 है, AMH 3.2 है, पीरियड रेगुलर नहीं है, HSG रिपोर्ट कराई वो नॉर्मल है, क्या करना चाहिए? पीरियड यदि रेगुलर नहीं है और 2.6 आपका AMH है तो डेफिनेटली आपको कोई एंडोक्राइन हार्मोन का प्रॉब्लम है, या तो आप एंडोक्राइन डॉक्टर से मिलिए, गायनिक से मिलिए जो एंडोक्राइन का देखते हैं, हार्मोन का देखते हैं, या फिर आप आके मिल सकते हैं, पर अंदाज से दवाई मत लीजिए। नमस्ते सर, मेरी एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, क्या अगली बार चांसेस हैं होने का? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब भी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रीज़न ये है कि जो अंडा यहाँ से निकला, यहाँ गया और स्पर्म यहाँ मिला, ये दोनों मिलके भ्रूण ट्यूब में ही बनता है। ये ट्यूब में फिर हरकत होती है, उस हरकत से इस भ्रूण को फिर वापस बच्चेदानी में भेज दिया जाता है, यहाँ बढ़ता और पनपता, तो एक नेचुरल गर्भधारण होता है। स्पर्म तो बहुत छोटा होता पहुंच जाता है, जो अंडा होता है वो 60 माइक्रोन के आसपास होता है, जो भ्रूण बनता है वो भी बड़ा होता है, इसको रोल करके वापस भेजना पड़ता है, ट्यूब का वो काम है। यदि वापस भेजते समय इस ट्यूब के किसी स्ट्रक्चर में यदि उबड़ खाबड़ है, यदि उसके म्यूकोजा अंदर की लाइनिंग अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ फंस जाती है। जब ये बढ़ती है तो बच्चेदानी तो बच्चे के साथ बढ़ जाती, ट्यूब नहीं बढ़ पाती, तो ये फूट जाती है, उसको एक्टोपिक बोलते हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी को जब यूट्रस में प्रेगनेंसी होती है तो यूटोपिक बोलते हैं। अब जो दोनों ट्यूब है उस ट्यूब में जो बेहतर ट्यूब है वो काम करने की कोशिश करी, यदि ये अच्छी होती तो आप प्रेग्नेंट हो चुके होते। इसका मतलब आपके बेहतर ट्यूब ने काम करके एक्टोपिक का परिणाम दिया, दूसरी ट्यूब डेफिनेटली इससे खराब होती है अधिकतर, इसमें भी एक्टोपिक होने का चांस बढ़ जाता है। यदि एक्टोपिक होने के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो तो बहुत दिन वेट ना करके आप IVF करा लो, क्योंकि दूसरी ट्यूब जो पहली ट्यूब जिसमें एक्टोपिक हुई थी उससे ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सर, PCOD में IVF का सक्सेस रेट कितना होता है? PCOD में IVF का इमीडिएट सक्सेस रेट यदि आप बोलेंगे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में तो 20 से 30% 40% होगा, पर यदि आप उसी को यदि आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में ले जाएंगे तो 70-80% होता है। सर, IVF से ट्विंस प्रेगनेंसी हुई, एज 37 है,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंजॉय करिए प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसकी जांच करा लीजिए आप किसी अच्छे गायनिक से कि उसकी कोरियोनिसिटी क्या है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आप उनका उनको फॉलो करिए। ट्विन प्रेगनेंसी में एक प्रीटर्म डिलीवरी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। हेलो डॉक्टर, माई लेफ्ट ट्यूब इज ब्लॉक्ड इन HSG, राइट ट्यूब इज ओपन, बट स्टिल आई एम नॉट एबल कंसीव इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इफ देयर इज वन ट्यूब विच इज ब्लॉक्ड और एबनॉर्मल एंड यू से द अदर ट्यूब इज ओके, that means there is dye, that means this tube is non-functional, but this tube is also not functioning. Why? Because whenever there is a disease on one side, definitely there is some disease on other side also. And second, even though if it is open, the tube has three functions. One is giving the passage to the sperm and egg, second to give nutrition to the embryo, and third to propel this embryo into the uterus. If any of the three is not functioning well, this open tube is also non-functional. Hence, you are not able to get pregnancy even though after that your tube is open and you are getting treatments. If you are not able to get pregnancy, then go for IVF. Thank you very much. If you like my channel, please subscribe it. आप इसको subscribe करिए। हमारे नए center का मैं इसमें description में और detail डाल दूंगा। मैं एक गूगल लोकेशन को भी मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।